ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं WPF यानी विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। इससे पहले विंडोज फॉर्म के ऊपर हमने कुछ काम किया था और आज हम विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन के ऊपर एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के देख लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की विंडोज फॉर्म और WPF में क्या डिफरेंस होता है। तो विंडोज फॉर्म के अंदर हमने, आपने देखा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप से, और जो हमने UI बनाया था वो ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाया था। एक्चुअली वो बैक एंड पे जाके सी शार्प का एक कोड बन जाता था, सही, जो कि सिर्फ विंडोज के ऊपर ही रन हो जाता था, विंडोज के ऊपर ही इंस्टॉल होने के काम आता था। उसके बाद WPF एक्चुअली क्या होता है, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन 2006 में के अंदर आया है। इसके अंदर क्या होता है कि आप इसमें डिफरेंट न्यू फंक्शनैलिटीज आ गई है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा फंक्शनैलिटी इसमें ये है कि आप इसका जो फ्रंट एंड का जो काम करेंगे, जो यूजर GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो आप XAML के अंदर लिखते थे। यानी एक मार्कअप लैंग्वेज है, उस मार्कअप लैंग्वेज में आप उसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। हालांकि विंडोज के अंदर हम लोग ये सारा काम सी शार्प के ऊपर करते थे, तो WPF के अंदर ये एक अच्छा काम हो गया कि जो भी यूजर इंटरफेस होगा वो सारा डिजाइन होगा XAML के ऊपर। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब XAML के ऊपर डिजाइन होगा तो आपको WPF को आप विंडोज के ऊपर इंस्टॉल करके भी चला सकते हैं, और WPF का ही ब्राउजर के लिए भी अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। तो XAML जो है वो ब्राउजर के ऊपर भी रन हो सकता है और आपके विंडोज के ऊपर भी रन हो सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद, उसके अलावा, विंडोज के ऊपर जब WPF बनाता था उस वक्त एक ब्लेंड के नाम से नया एक डिजाइनर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जिसमें हम लोग डिफरेंट एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांजेक्शंस वगैरह अपने एप्लीकेशन के अंदर बना सकते थे, अच्छे से, खूबसूरत से डैशबोर्ड्स, इस तरह के सारे GUI के अच्छे से जो GUIs बना सकते थे वो सारा WPF के ऊपर बना सकते हैं हम लोग। तो सिर्फ फर्क इसमें फर्क यही है, इसमें काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको बाद में। लेकिन अभी इस वक्त यह है कि विंडोज फॉर्म का जो फ्रंट एंड होता है वो जो सी शार्प के ऊपर ही होता है, WPF का जो होता है XAML के ऊपर हमने GUI बनाना है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम हमने करना होगा, एक नया विजुअल स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा। में फाइल के अंदर वही काम करेंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये प्रोजेक्ट जो होगा हमारा WPF एप्लीकेशन होगा। ये हम WPF वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, ब्राउजर एप्लीकेशन, लेकिन हम लोग बना रहे हैं WPF एप्लीकेशन। यहाँ से आप लोगों ने सी शार्प के अंदर विंडोज में आना है और इस विंडोज के अंदर WPF एप्लीकेशन होगा। इसके अंदर आप माई WPF के नाम से आपने इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा और इसको आपने ओके कर दिया। देखिए, सबसे पहले काम क्या होता है, जैसी प्रोजेक्ट के क्रिएट के सब कुछ जो विंडोज फॉर्म के अंदर था वो सारा सेम ही है। इधर आप देखेंगे आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा है। यहाँ पर फर्क क्या है, सिंपल, कि WPF के अंदर आपको प्रॉपर्टीज, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे जो विंडोज फॉर्म के अंदर नहीं थे, कुछ जो रेफरेंसेज होंगे, कुछ रेफरेंसेज जो WPF के अंदर नहीं होंगे, जैसे XAML का रेफरेंस नहीं होगा, XML का रेफरेंस नहीं होगा, प्रेजेंटेशन कोर का आपके पास रेफरेंस विंडोज फॉर्म के अंदर नहीं होगा, जो कि WPF के अंदर है हमारे पास मौजूद है। इसमें एप कॉन्फिग है, ap.xml जो है ये भी आपको विंडोज फॉर्म के अंदर नहीं होगा। अगर हम देखना चाहते हैं, कंपेयर कराना चाहते हैं विंडोज फॉर्म में क्या चीजें होती है, WPF में क्या होती है, मैं इसी सोल्यूशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैं एड करूंगा न्यू प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट होगा हमारा विंडोज फॉर्म के ऊपर। इसमें मैंने लिख दिया माई WinForm। एक सोल्यूशन के अंदर दो प्रोजेक्ट मैंने बनाया, एक विंडोज फॉर्म के लिए बनाया, एक WPF के लिए बनाया। तो सिर्फ फर्क आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, इसका जो GUI है विंडोज फॉर्म का वो इस तरह का शो हो जाता है, जबकि आपके WPF का जो फ्रंट एंड है वो इस तरह का शो होगा, यानी सारे जो डिजाइनिंग वगैरह होगी XAML के अंदर होगी। नीचे एडिटर आपको XAML का नजर आ रहा होगा, यहां पर कोई एडिटर नहीं, ये डायरेक्टली हो जाता है। अब देखें, यहाँ पर दो प्रोजेक्ट से, एक माई WPF, एक माई विंडोज फॉर्म। माई विंडोज फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो माई WPF में नहीं होंगी, जो रेफरेंसेस, जैसे कुछ रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंसेस आपको माई WPF के अंदर नहीं मिलेगा। एप कॉन्फिग दोनों में है, लेकिन इसमें program.cs है और यहाँ पर app.xml है, सही। ये डिफरेंसेज है यहाँ पर माई WPF और विंडोज फॉर्म के ऊपर।
मैं इसको रन करता हूं तो ये आपके फॉर्म सामने ओपन हो जाएगा, और अगर मुझे यहां पर कुछ बना के रन करूंगा तो ये यहां पर रन हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूं, एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूं विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन के अंदर, तो मैं क्लिक करूंगा यहां पर, टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे, टूल बॉक्स के अंदर जो टूल आपको चाहिए वो टूल आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको रन कर सकते हैं। मैंने कहा यहां पर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे, मिसाल के तौर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सेम काम यहां पर भी करते थे हम लोग, इसको टेक्स्ट को यहां पर टेक्स्ट बॉक्स लेकर आना था मुझे, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब फर्क क्या देखें, यहां पर टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया, एक्चुअली ये एक सीएस फाइल बन गई है यहां पर, फॉर्म 1 के अंदर डिजाइनर की अलग से फाइल बन गई है और इस डिजाइनर के अंदर आगे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता तो मुझे यहां पर आके ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, सही। तो ये सारा काम सी शार्प के ऊपर ही हो रहा है, कोई थर्ड लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है। जबकि XAML के अंदर आएंगे हम लोग, तो XAML के अंदर भी मैंने वही टेक्स्ट बॉक्स, सेम वही टेक्स्ट बॉक्स जनरेट किया, लेकिन अब के बाद आप देखेंगे यहां पर जो जनरेट हुआ वो यहां पर एक XAML के कोड के अंदर जनरेट होगा। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता तो मुझे ये कोड लिखना पड़ता है यहां, सही है। तो ये डिफरेंस है कि ये XAML के अंदर होता है और ये सी शार्प के अंदर डिजाइन होता है। अब मैं इसको ऐसे रन करता हूं, स्टार्ट पर क्लिक करूंगा, आप लोगों को नजर आएगा यहां पर WPF का जो लेआउट है वो यहां पर रन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर WPF हमने सेलेक्ट किया। देखिए ये WPF है, यहां पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, देख WPF की थोड़ी सी स्टाइल चेंज है, थोड़ा सा ये सब कुछ चेंज है, ये चीज, ये WPF रन हो गया। अब मैं रन करने जा रहा हूं विंडोज फॉर्म हमारा जो था, इसको रन करने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर इसको सेट टू स्टार्टअप प्रोजेक्ट करेंगे ताकि जब मैं रन करूंगा तो ये स्टार्ट में ओपन हो जाए। तो ये यहां पर ओपन हो गया। तो इन दोनों की डिफरेंस ये है कि इन दोनों का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, और क्यों, क्योंकि WPF के ऊपर XAML पे काम करते हैं और इसके ऊपर सी शार्प के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसमें एनिमेशन वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। इसकी इस टेक्स्ट बुक्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आएंगे, और आप XAML के टेक्स्ट बुक्स के प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आएंगे। तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये XAML में हो रहा है तो इसमें काफी सारे चीजें आपको नजर आएंगी, तो इस तरह आप प्रॉपर्टीज वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो WPF का फायदा ये है, एक तो ये इसके ऊपर भी चल जाता है आपका विंडोज के ऊपर भी, और जब आप एक ब्राउजर एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप ब्राउजर एप्लीकेशन भी WPF के अंदर बना। ये है कि इसमें कंट्रोल बाइंडिंग बिल्कुल आसानी से हो सकता है। कंट्रोल बाइंडिंग क्या मतलब है? कंट्रोल बाइंडिंग का मतलब है कि इस वक्त देखो वेब फॉर्म के ऊपर हूं मैं, विंडोज फॉर्म के ऊपर, इसमें मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, ये चाह रहा हूं कि जब भी यूजर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में कोई इंसर्ट करे तो वो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट बॉक्स में बाइंड हो जाए, इस टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए। उसके लिए मुझे इसके इवेंट पे जाना होता है, इसके इवेंट पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा 5-6 लाइनों का, उसके बाद जाकर ये बाइंड हो जाता है दूसरे कंट्रोल के साथ। लेकिन WPF के अंदर जो बाइंडिंग होता है, जैसे WPF, ये WPF है, WPF के अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, मुझे इन दोनों की बाइंडिंग करनी है तो मुझे कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑटोमेटिकली बाइंडिंग का ऑप्शन है, उसके थ्रू हम बाइंड कर सकते हैं कि जब भी यूजर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे कोई चीज इंसर्ट करेगा ऑटोमेटिकली वो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूं इन दोनों में से किसी एक पर भी, और इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। इस प्रॉपर्टीज के अंदर इनका कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के एंड में जाऊंगा, यहां पर लोकल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट डेटा बाइंडिंग, यानी एक ऊपर वाले इस टेक्स्ट बुक से डेटा को बाइंड करना। मैंने क्लिक किया और यहां पर जाके मैंने कहा एलिमेंट का नाम, मैंने टेक्स्ट बुक से इस टेक्स्ट बुक्स का जो वैल्यू है वो आपने इस टेक्स्ट बुक्स के वैल्यू को इस टेक्स्ट बुक्स के अंदर, इस वाले टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू को इस वाले टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू में आपने शो करवाना, तो यहां पर जाएंगे और इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है यानी इसकी बाइंड करा दिया हमने और मैंने कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं इसको रन, जैसे रन करूंगा यहां पर ये हमारे पास WPF ओपन हो जाएगा, और अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यहां पर कोई चेंजेस करूं, मैंने कहा इकरा, इसको मैंने इकरा लिखा और मैंने बटन दबा दिया, ये बाइंड हो गया ऑटोमेटिकली, यानी एक छोटे से
बाइंड करने के ऊपर ये आसानी से बाइंडिंग हो गया। इस तरह आप ये काम कर सकते हैं कि आप डेटा बाइंडिंग जो होता है वो WPF के अंदर कंट्रोल्स के बीच में बिल्कुल आसानी से होता है। डिजाइन जब भी आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो एक डिजाइनिंग टूल भी आपके पास इंस्टॉल हो जाता है जिसके थ्रू हम WPF की डिजाइनिंग कर सकते हैं, यानी GUI की ग्राफिक डिजाइनिंग। वो कहता है ब्लेंड, BLEND ब्लेंड। तो ब्लेंड आप यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लेंड, ये ब्लेंड विजुअल स्टूडियो 2013 आपके पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ये ब्लेंड आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पूछेगा आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है या पुराना जो प्रोजेक्ट है उसी को ही आपने डिजाइनिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था मुझे इसी को ही डिजाइन करना है, अगर मैं क्या करूंगा ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहां पर से मैं जो हमारे पास बना हुआ था उसके ऊपर और यहां पर उसके इस प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा ओके कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट जैसे ओके कर दूंगा यहां पर वो प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहां पर जो भी जितने भी विंडोज थे वो सारे विंडोज आपके पास नजर आ जाएंगे उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मुझे इस बटन को डिजाइन करना, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखेंगे उसके डिजाइनिंग वगैरह सारा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। वो सारे डिजाइनिंग आप लोग वन बाय वन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बटन को मैंने बड़ा कर दिया, इसके मुझे थोड़ा ग्रेडियंट कलर चूज करना है, ग्रेडियंट कलर थोड़ा सा करेगा यहाँ पर। इसके अपीयरेंस में जाके इसको क्लिक करेंगे, इसके डिफरेंट डिफेक्ट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, वो डिफरेंट डिफेक्ट्स आप देखना चाहते हैं। इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे आप, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने थोड़ा सा इसको टेढ़ा वेढ़ा करना है, थोड़ा सा इसको स्टाइल पे देना है, सारे स्टाइलिंग आप लोग ब्लेंड के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, जो रेडियो बटन वगैरह लगे हुए इसके ऊपर भी कर सकते हैं, एक कैनवस लगा हुआ इसके ऊपर भी आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। इस तरह आप ब्लेंड के थ्रू जितने भी डिजाइनिंग वगैरह होती है वो सारा काम आप आराम से कर सकते हैं। ये तीन चार चीजें थी जो WPF के ऊपर ज्यादा अहम थी, मैंने बताई। उसके बाद हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, सही है।